हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्फो के फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। इन्फो के फार्मूले से ये पता चल रहा है कि ये फार्मूला क्या करता होगा। ये फार्मूला बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस फंक्शन का काम ये है कि ये हमें एक इंफॉर्मेशन देता है हमारा जो कंप्यूटर है उसके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के बारे में, कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका कैलकुलेशन मोड क्या है, हम कौन से एक्सेल का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो वर्कशीट है एक्सेल में उसमें कितनी शीट्स ओपन हैं, तो इस सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन देता है, तो एक सिंपल फार्मूला है। इसका सिंटेक्स में हम एक टेक्स्ट देते हैं और वो जो टेक्स्ट होगा वो किसी आइटम का नाम होगा, जो इंफॉर्मेशन हमें जिस आइटम के बारे में चाहिए उस बारे में हम एक टेक्स्ट लिखेंगे उस आइटम का। और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, इसके लिए वो टेक्स्ट और नंबर में होता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमने इससे किस इंफॉर्मेशन के बारे में रिक्वेस्ट की है। तो हम इस फार्मूले को पुट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इन्फो, मुझे ये मालूम करना है कि मेरी कंप्यूटर की करंट डायरेक्टरी कौन सी है। तो उसके लिए मैंने इन्फो को ओपन किया। जब हम इसके ओपन करते हैं तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फीचर्स हैं जिस पर हम क्लिक करके इनकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और अगर हमें ख़ुद से लिखना हो तो उसके लिए हमें डबल कोट्स ओपन करनी पड़ेंगे। जब हम इन पे क्लिक करेंगे फिर भी डबल कोट्स ओपन हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट तो फ़िलहाल यही है, इसके अलावा भी बहुत से हैं। हम फिलहाल एक करंट डायरेक्टरी मालूम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है करंट डायरेक्टरी और फोल्डर, तो इसकी इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखी हुई है उसके सेंटेंस के साथ साथ। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करूँ, ये देखिए इसको डबल कोट्स में क्लोज कर दिया है उसने खुद ही। तो अगर मैं इस पर एंटर करूँ तो ये देखिए उसने बता दिया है कि आपकी करंट डायरेक्टरी क्या है, जहाँ ऑटोमेटिकली फाइल सेव हो जाती है। ये देखिए ये सी का फोल्डर है, फिर उसमें यूज़र का फोल्डर है, फिर उसमें पाकिस्तान का फोल्डर है, फिर उसमें डॉक्यूमेंट का फोल्डर है। तो ये एक करंट डायरेक्टरी है हमारी। अच्छा, अगर हमें ये मालूम करना हो कि हमारी जो शीट है वर्कशीट है हमारी एक्सेल की, उसमें कितनी शीट्स एक्टिव हैं, मीन्स कितनी शीट्स ओपन हैं फ़िलहाल, तो यहाँ पर तो फ़िलहाल दो ही हैं। ये देखिए ये है, एक ये है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। अगर हमारे पास बहुत सारी शीट हो और हमें देखना हो कि कितनी शीट जो है वो हमने ओपन की है, बहुत से हम हाइड भी कर देते हैं, तो अगर हम ये देखना हो कि कितनी शीट्स एक्टिव हैं, तो उसके लिए मैं इन्फो का फार्मूला पुट करूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव शीट, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और टैब से भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू। अगर मैं एक शीट और ऐड कर दूँ और एक और कर देता हूँ तो ये चार हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम इस पर एडिट करें और फिर इंटर करें तो ये देखिए यहाँ चार आंसर आ गया। अगर मैं एक क्लोज़ कर दूँ, नीचे एक डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर तीन हो गए। इसी तरह हम और क्या मालूम कर सकते हैं, और हम इसमें ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे विंडो का टॉप लेफ्ट करंट सेल कौन सा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इन्फो। इस फीचर्स के अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। उनके डिफरेंट कोड्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्टरी मालूम करने के लिए हमने डायरेक्टरी लिखा, इसी तरह एक्टिव शीट मालूम करने के लिए हमने नम फाइल लिखा। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो आप सर्च करके आप उनकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। और यहाँ पर अब मुझे मालूम करना है कि हमारे विंडो का टॉप लेफ्ट करंट सेल कौन सा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ओरिजिन। अगर ओरिजिन मैं खुद लिखूँ तब भी, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ओ आर आई जी आई एन और लास्ट में डबल कोट्स क्लोज करेंगे और जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये देखें इसने हमें उस सेल को फ्रीज करके दे दिया है। ये वाला सेल है बेसिकली। तो पहले अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम कर लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 32 बिट है, 64 बिट है, तो उसको भी हम एक्सेल के थ्रू मालूम कर सकते हैं। अगर यही फार्मूला दोबारा पुट करूँ, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको फार्मूले में पुट करने के लिए हम लिखते हैं ओ एस वर्जन।
OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूँ तो इसके थ्रू भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, इसने हमें बता दिया कि विंडो 32 बिट, और आ गया इसका वर्जन। और इसी तरह अगर हमें इसका कैलकुलेशन मोड मालूम करना हो तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन्फो, और ख़ुद ही लिख लेता हूँ मैं। मैंने डबल कोट्स ओपन किए और यहाँ पर मैं लिख लूँगा री कैल, और डबल कोट्स क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और ये देखें, आंसर सही नहीं आया, हमने कोई मिस्टेक कर दिए। चलिए स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए यहीं पर क्लिक कर लेते हैं। आखिर में हमने सी नहीं लिखा था, तो यहाँ पर आप दोबारा कर लेते हैं और डबल कोट्स क्लोज और इंटर। तो ये देखिए, इसने बता दिया ऑटोमेटिक मीन्स हमारा कैलकुलेशन मोड ऑटोमेटिक है। और अगर हमें ये मालूम करना हो कि हम जो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल उसका वर्जन क्या है, तो उसको इस तरह मालूम करते हैं कि हम रिलीज़ लिख देंगे इसके अंदर। ये देखें, ये दिखा दिया 15.0, ये एक्सेल वर्जन है हमारा लेटेस्ट अभी। और अगर मुझे ये मालूम करना हो कि हमारे जो पीसी है या फिर जो हमारा कंप्यूटर है उसका आर्किटेक्चर क्या है, पीसी है या मैक है, तो उसको मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लूँगा, ये देखिए लास्ट में है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। तो सिस्टम इसका आइटम टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज की। और ये देखें, इसने मैं बता दिया कि ये पीसी है और ये डोज बेस आर्किटेक्चर है। तो ये बहुत ही सिंपल सेशन था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो आने वाला कंटेंट है उसकी फीडबैक्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।